काफी कलरफुल किरदार योगी जी का। योगी जी मतलब कहां से प्रेरणा कहां से मिल गई ये सब करने की और इतना करने की? इसके लिए प्रेरणा थोड़ी चाहिए होती है, ये तो हर आदमी करना चाह रहा है। सब आदमी इसी के वेट में इंतजार में है, प्रेरणा की जरूरत ही नहीं। प्रेरणा तो बाकी उन चीजों के लिए चाहिए होती है जो आपको मतलब यू नो नेचुरली नहीं आती। तो जो तीन तीन बार इसमें मिली उनकी बात कर लेते हैं। रियल लाइफ में ऐसे कोई मिली एक से दो बार, दो से तीन बार, और फिर कभी मन किया हो चल देख के आते हैं यार आज? पता नहीं यार, मैं ये इन्होंने जब मुझे कहा ये फिल्म करनी है तो मेरी वाइफ प्रोड्यूस कर रही थी, तो मैंने कहा मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा, पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करूंगा कि मैं करीब करीब सिंगल हूँ। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, पर मैं जानना चाहती हूँ सिंगल पे इतना फोकस, डबल एल लगाया है सिंगल में। एल आप ये वेजिटेरियन में समझना चाहेंगे, नॉन वेज में समझना चाहेंगे? जैसे आप समझाना चाहें। देखिए वेज में तो ये है कि ये लव एंड लाते इसका वो है। जिस वेबसाइट पे ये दोनों मिलते हैं, इट्स अ क्वर्की क्यूट वेबसाइट, उसमें स्पेलिंग उसका नाम है अब तक सिंगल एंड दे हैव स्पेल्ड इट लाइक दैट। तो अब तक सिंगल इस तरह से उस वेबसाइट का नाम है। मैंने उसको इस तरह से समझा था कि आप ये फौज देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बहुत सारे इधर ही बैठे हुए, इनको अगर खड़ा करेंगे तो ये पूरा स्टेज भर जाएगा और मैं, तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए एल जो है कई बार जो है वो मेल होता है कभी कभी, तो साथ चाहिए था एक और एल का, नहीं तो ऐसा ना बोलना पड़ेगा ले लग गए। I had a follow-up question, but check it. Tanuja, hi. Considering you have Irfan on board, was it a deliberate attempt to not present this love story as a monotonous, typical way? In a monotonous, typical way? The story actually had the seed of that in it, which was written by my mother. 20 years ago, she wrote this 15-pager, you know, and I thought there was something in it which was so beautiful, and it was but me and Ghazal, my co-writer, we made it contemporary, you know, we made it a story of today, and so I think that I would like to say that it's a kind of a Hindustani rom-com which is very much belonging to the milieu of contemporary modern India, and yet it's at its core it's very Indian and very it has a bit of traditionalism in it as well, and finally it's about just loving every part of your life, your past relationships, whatever they may have been, there's something of value in those and they give to you all your life, you know, so you don't have to, breakups don't have to be bitter, they can be wonderful. So there's that kind of story in it and in which two people discover each other. ये कोई दूसरे किस्म की तरह फिल्म नहीं है कि suddenly कोई और ही zone आ गया, ये वही है कि आपको जो है engage करेगी, you will get entertained. And you will relate to characters and there are few things which were important for me in the movie. Wo main jab film ke interview shuru honge tab main baat karunga ki maine ye film kyun ki actually. Message ye hai ki tum single ho, single mat rehna ab. Nahi message main aapko batata hu, actually batata hu. Aur kya hota hai na, ek hota hai aadmi single, ek hota hai ki ab single nahi raha. Beech ka safar hota hai kareeb kareeb single, jahan ke double hone ki ek ummeed hoti hai aur ek expectation hoti hai. मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है बहुत खूबसूरत होता है रिलेशनशिप का, अगर आदमी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय ना करे, दोनों मिलके उसको खुद ख़त्म ना कर दें और उस जर्नी को अगर थोड़ा उसका मज़ा लें, उसको अगर बहुत अच्छे से उसको गुजारें जर्नी को, वो सबसे खूबसूरत वक्त होता है रिलेशनशिप का, जहाँ के दोनों उन्होंने कमिट नहीं किया है बट एक तरह का एक्साइटमेंट है अंदर, एक लहर है अंदर, एक यू नो म्यूज़िक है अंदर, तो इसमें उस तरह का एक उस जर्नी का यू नो फिल्म उस जर्नी के बारे में है। लाइक जब ये फिल्म मैं कर रहा था तो मुझे मैंने एक दिन शुतपा को पूछा कि यार तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो इस फिल्म में, ये क्यों करना चाहिए? तो शी सेड के हम लोग नॉर्थ बेल्ट से हैं ना, वहाँ क्या होता है ना, वहाँ लड़की को देखा उसने देखा तो मतलब एक ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट हो गया और आपने यू नो उसको पजेस कर लिया और सब कुछ, वो एक जो एक होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और आराम से जीने का, यू नो एक दूसरे को पूरा वैल्यू देने का, वो कल्चर नहीं होता है। तो इसने पूछा कि आपको तुमने औरत को सम्मान देना आता है क्या तुमको ऐसे वक्त में जब आप अफेयर में हो? मैंने कहा आता है, तो बोला करके दिखाओ उसके अंदर। जब मैंने
लॉन्ग बैक, मैं कब की बात आपको बताऊं, मतलब हमारी शादी को 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो ये सब फीलिंग्स, प्यार की लड़ाई, दूरियां, ये सब आप पढ़ते हो, देखते हो, महसूस करते हो. तो जब मैंने अपनी पहली कहानी जो प्रेम रोग राज कपूर साहब ने बनाई थी, उसमें एक विडो की कहानी थी और वो लड़का उससे कितना प्यार करने लगता है कि उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया. अब ये बात, ये कहानी 30 साल पहले बनी थी, तो वो उस वक्त की भी लोगों ने कहा था कि विडो की कहानी में कौन इंटरेस्टेड होगा. और लेकिन राज साहब की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस की इतनी गहरी थी कि उन्होंने वो पिक्चर बनाई और वो बहुत लोगों को पसंद भी आई. उसके बाद चांदनी में भी लव स्टोरी थी, उसमें एक अलग हुए, मिले, दूर हुए, वो कहानी थी. 1942 लव स्टोरी, उसमें भी यही. तो कहानियाँ तो लव स्टोरी सब यही होती हैं, मिलने और बिछड़ने की. तो मेरे मन में एक बार ये आया, मैंने ये प्ले लिखा था कि दो तीन बार, तीन बार उसका हुआ, जब छोटा था तब, फिर कॉलेज, फिर बड़े होके. लेकिन तीनों बार वो नाकाम रहा अपने प्यार में और वो लड़कियां सब अपना बढ़ती गईं. और कह के ये अलग हुई थी कि चाहे मैं जहाँ चली जाऊँ लेकिन मेरी आत्मा, मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, ये कह के पहली वाली गई. बेचारे ने यकीन कर लिया था. और उसके, उनसे जब वो मिलने गए तो उसके बच्चे वहाँ, उन्होंने कहा मामा जी को नमस्ते करो. We'll take two more questions, ladies and gentlemen. तो ये तो दुनिया बदलती है, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, कहानियाँ बदलती हैं. तो फिर भी इंसान एक उम्मीद पे जिंदा रहता है, तो हमेशा के लिए लाइफ फिनिश नहीं हो जाती है. वो लड़कियाँ भी ठीक थी जो मैंने लिखा था, तीन से वो मिलने जाता है और देखता है कि वो सब खुश हैं. तो जो अब उससे चाहती थी, प्यार करती थी, वो हमेशा उसे कहता था कि मैं तीन को सुखी नहीं कर पाया, मैं इस लायक हुई नहीं. वो हमेशा पोएट्री लिखता था, कहानी, गीत लिखता था, इसलिए वियोगी के नाम से मशहूर हो गए थे तो फिर वो, लेकिन जब वो मिलने गया तो उसने रियलाइज़ किया कि लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी, वी हैव टू मूव ऑन. एंड तब उसने, तो वो ये कहानी का सेंस है कि अब वो आशा है तो सब कुछ. ये मैंने कहने की कोशिश की थी अपने उस प्ले में, जिसको इन लोगों ने आज का, आज के सोचना, आज की जो माहौल है उसमें, तो ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. माँ बोली माँ बोली हाँ, माँ को तो ये लगेगा, लेकिन मैं दिल से फील कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के.